ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है पर बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि जो वर्ड आर्य है, क्या वो किसी एक समुदाय को के बारे है या क्या वो एक शब्द है जिसका मतलब कुछ और है? अगर हम देखेंगे तो हम सभी ने सीरियल्स भी देखे हैं और ये तो उसमें हम हमेशा कहते हैं आर्य पुत्र, है ना। वर्ड आर्य जो है वो वर्ड अर से आता है, उसका रूट जो है वो अर से आता है। और आर्य का जो वर्ड का मतलब है वो है टू कल्टिवेट, ठीक है। और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि आर्य क्या था? क्या वो एक इन्वेजन की जरह जैसे आ रहे हैं, इन्वेडर्स थे? अगर हम देखेंगे तो एक इंडो यूरोपियन प्लेटो है, वहाँ से लोग एक छोटे छोटे टुकड़ों में दूसरे जगह जाने लगे। किस लिए गए? क्योंकि उन्हें पास्चर लैंड्स चाहिए थे, उनके पास घोड़े भी थे, उनके पास गाय कैटल्स भी बहुत, थे हाँ जी। कैटल, तो उन्हें पास्चर लैंड्स चाहिए था। और वो अलग अलग गए, तो कुछ सुमेरिया चले गए, कुछ भारत के तरफ, इंडस के तरफ आए और यहाँ आके सेटल कर गए। इनका जो भाषा था वो यहाँ पे जो बसे हुए लोग थे उनके भाषा से परे था। और इसीलिए अगर हम देखेंगे जो हमारी संस्कृत भाषा जो भाषा है जी और जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है उसमें सिमिलैरिटी है, और उसका कारण यही है क्योंकि ये दो सभी एक ही जड़ से निकल के आए थे। तो आर्य क्या है? आर्य एक लिंग्विस्टिक टर्म है, और जो यहाँ लोग थे उनमें और इनमें आपस में मतभेद जरूर हुई। और मतभेद क्या थे कि किसे कितना पास्चर ग्राउंड्स मिलेगा? जो अच्छा यहाँ पे बसे हुए लोग थे वो ऑलरेडी खेती कर रहे थे और पशुपालन कर रहे थे, तो जो लोग आए वो एक सुपीरियर लैंग्वेज के साथ आए और एक सुपीरियर एनिमल के साथ आए, और जो था घोड़ा। अच्छा घोड़ा यहाँ पहले नहीं पाया गया था, इनफैक्ट बहुत हो रहा था कि सिंध सभ्यता में भी घोड़ा है, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे सील्स पे ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो मेगा एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे राइनोसोरस है ये, बट अनफॉर्चुनेटली घोड़े म्यूल नहीं। देखा जाएगा बट हाँ हॉर्स नहीं देखा नहीं जाएगा, थे। घोड़ा नहीं देखा जाएगा। तो आपका कॉन्क्वेस्ट का तरीका डिफरेंट हो गया। आप आ किस लिए रहे थे? आपको पास्चर ग्राउंड्स चाहिए था, आपकी भाषा सुपीरियर है, और यही कारण है कि जो टर्म्स आ गए आर्य और दास वो यहीं से आ रहे हैं। आर्य वो लोग हुए जिनके पास एक सुपीरियर लैंड लैंग्वेज है, अच्छा लैंग्वेज एंड दास वो लोग हो गए जिनको आपने कॉन्कर कर लिया, जिनको आपने पराजित किया, तो वो हो जाते थे दास। तो ये नहीं था कि दास मतलब जो हम बाद के कॉनोटेशंस में, तो जो ऋग्वेद का टाइम है उस समय दास वैसा नहीं हम मानेंगे जैसे हम लेटर टाइम्स में स्लेवरी को देखते हैं। तो दास वो लोग ज़रूर होते थे जिसको आप कॉन्कर कर लिए हैं, ठीक है ना, वो आपके अधीन हो गए, तो आप उनसे काम ज़रूर कराएंगे, वो तो नेचुरल है, बट स्लेवरी नहीं है जो जी हम बाद में देखेंगे।